हेलो दोस्तों, आप सभी का हेल्प इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चैनल पर फिर से स्वागत है। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसी चैनल पर डेली जो भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड अपडेट, न्यूज या इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है वो डालता रहता हूँ, जिसे सुनकर आप किसी छपरी एजेंट या काउंसलर की बकवास तो सुनने वाले नहीं हैं। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो आपके लिए एक सीरीज लेकर आया था, ऑस्ट्रेलिया के ऑफर लेटर से लेकर वीज़ा तक का जो सफ़र होता है उसमें जो जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना, तो उसमें से हमने ऑफर लेटर के बारे में पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लेना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे GTE असेसमेंट के बारे में कि GTE क्या है, GTE असेसमेंट होने में कितना समय लगता है, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, GTE इंटरव्यू क्या है, GTE सबके लिए है, इसके बिना भी काम चल जाएगा, GTE में कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो GTE के बारे में तमाम क्वेश्चन है वो सब कुछ है, जिसे सुनने के बाद आपका GTE के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो और ज़्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि GTE है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि GTE की फुल फॉर्म है जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। तो दोस्तों यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूनिवर्सिटीज कॉलेज जिसमें आपने एडमिशन लिया है ऑस्ट्रेलिया में, वो ये देखती है कि हमने जिस स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया है वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं, और इसमें क्या क्या शो करना रहता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें आपको वो सब शो करना रहता है जिससे यूनिवर्सिटीज कॉलेज को ये श्योर ना हो जाए कि ये एक जेन्युइन स्टूडेंट है, इसका ऑस्ट्रेलिया आने का मेन मोटिव स्टडी करना है। तो दोस्तों जैसे हम बात करें कि आपका जो मेन पॉइंट रहता है दोस्तों, आपको फंड्स है वो GTE का ही प्रोसेस का ही एक पार्ट है। दोस्तों आपके जो फंड शो करने होते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस प्लस आपकी जो अगले सेमेस्टर की फीस होती है वो आपको इसी में शो करनी रहती है दोस्तों। और साथ में मैं बात करूँ SOP भी इसी का पार्ट रहता है दोस्तों, जिसमें आपके बारे में सब कुछ लिखा रहता है दोस्तों कि आपने प्रीवियस स्टडी क्या कौन सी की है, आपका स्टडी के बीच यदि गैप है तो वो क्यों है, आपके जो फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आपकी होम कंट्री में आप इंडिया क्यों आओगे, आप स्टडी करने के बाद आपने स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चुना, कोई और कंट्री क्यों नहीं चुना, यदि आपकी माइग्रेशन हिस्ट्री, यदि आपका रिफ्यूज गैप, यदि ये कुछ है तो दोस्तों वो सभी GTE का पार्ट रहता है दोस्तों। आपको सब GTE ही में ही शो करना रहता है जिससे उसको यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ये श्योर हो जाए कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है, आपका मेन मोटिव यहाँ पर स्टडी करना ही है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं GTE इंटरव्यू क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक नॉर्मल सी आपके पास फ़ोन कॉल आती है दोस्तों यूनिवर्सिटीज या कॉलेज की तरफ से, और कभी कभी तो ये आती ही नहीं दोस्तों, मोस्ट ऑफ केस में यही इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता दोस्तों। वो आपके कोर्स के बारे में पूछते हैं, आपने एक कोर्स क्यों चुना, आपने हमारी यूनिवर्सिटीज को ही क्यों चुना, हमारी यूनिवर्सिटीज की फ़ीस क्या है, वो ये देखती है कि स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ एडमिशन ले लिया कि उसको इसके बारे में पता भी है या नहीं, कि यहाँ की फ़ीस कितनी है, हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में ये सब कुछ पूछती रहती है दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, ये 10 से 15 मिनट का ही इंटरव्यू रहता है दोस्तों। एक फ़ोन कॉल आती है आपके पास, ये कभी भी आ सकती है दोस्तों, घबराए नहीं, किसी आती भी नहीं दोस्तों ये, और कुछ एक स्टूडेंट्स की आ जाती है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं अगर आप वो क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही था GTE इंटरव्यू, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की कि GTE सबके लिए है या इसके बिना भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये GTE असेसमेंट है, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो ये एक नेसेसरी चीज़ है दोस्तों, आपको इसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा, ये उसके प्रोसेस का ही हिस्सा है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों आपका GTE असेसमेंट तो होगा, इसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि GTE का प्रोसेसिंग टाइम है क्या चल रहा है दोस्तों, GTE असेसमेंट होने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों मैं अब के टाइम की बात करूं तो 10 टू 25 वर्किंग डेज में GTE क्लियर हो रही दोस्तों, जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज है इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है GTE क्लियर करने का वो 10 टू 25 वर्किंग डेज में आपका GTE क्लियर हो जाता है दोस्तों, जिससे आप थर्ड स्टेप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपकी फ़ीस पे करने के लिए आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है दोस्तों, कंडीशनल तो आपको पहले ही मिल गया था दोस्तों, जिसकी हम पहले वीडियो में बात कर चुके थे। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बारे में, आपकी फ़ीस पेमेंट के बारे में। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
कर देना। मुझे लगता है दोस्तों आपके जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है जीटी असेसमेंट के बारे में वो मैंने पूरे कर दिए। यदि कुछ डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगा। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, जय हिंद जय भारत।